हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि किस बंदे ने आपकी वीडियो कितनी देर तक देखी है और करंट में कितनी देर तक देखी है। मतलब आप टाइम भी पता कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक उसने इतने मिनट आपकी वीडियो देखी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप इसमें बिल्कुल भी आप ये मत सोचें कि मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं आपको जा रहा हूँ बताने। इसमें क्या है कि आपको मैं अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ ले चलूँगा और उस पर मैं बताऊँगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दोस्त को कहा है कि यार मुझे ये बताओ कि तुम मेरी वीडियो देख लोगे, वो कहेगा हाँ मैं आपकी वीडियो देख लूँगा। अब वो आपको टाइम बताता है, आप बस उससे टाइम पूछ लीजिए कि कितने से कितने बजे तक तुमने मेरी वीडियो देखी है। तो वो कहेगा मैं आपकी वीडियो इतने से इतने बजे तक देखा, फॉर एग्जांपल 8 से 9 देखा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 8 से 9 में मेरी वीडियो कितनी देर चली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है YT स्टूडियो। Y फॉर योगा और T फॉर ट्यूशन। तो YT स्टूडियो होना चाहिए कैपिटल लेटर में। आप इस पर क्लिक करेंगे YT स्टूडियो पे। YT स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, आपको YT स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है व्यू मोर पे। आप यहाँ देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे आपको व्यू मोर पे जाना है। व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिया है वॉच टाइम इन मिनट। क्या दिया हुआ है, वॉच टाइम इन मिनट। आप देख सकते हैं ओवरव्यू वाले ऑप्शन में आप सेकंड नंबर पे जब आएंगे तो आपको वॉच टाइम इन मिनट दे रखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आपका वॉच टाइम इन मिनट आ गया, ठीक है। अब इस पर आप देख सकते हैं लास्ट 28 डेज लिखा है। क्या लिखा है, लास्ट 28 डेज। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको कर देना है रियल टाइम 48 आवर्स। कितना कर देना है, रियल टाइम 48 आवर्स, ठीक है। 48 घंटे पे आपको इसको सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट स्लाइड पकड़नी है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं कहाँ पे, तो देखिए इसके ऊपर आप कहीं भी एक जगह क्लिक कर दीजिए, आपको ऐसी देख रहे होंगे आप डॉटेड एरो टाइप का आ जाएगा मार्क, ठीक है। तो ये देखिए 11/9 यानी कि 11 सितंबर से दिखा रहा है। कब से दिखा रहा है, 11 सितंबर से दिखा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ कर ऐसे जूम करना है थोड़ा सा और साइड करना है, फिर जूम करना है, फिर साइड करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मतलब मेरी जो वीडियो किसी ने देखना स्टार्ट किया था वो 12:30 से लेकर और 1:30 तक यानी कि दोपहर तक और 0.75 से स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी वीडियो की। और अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो आप बिल्कुल इस पर क्लिक कर दीजिए और आप पता कर सकते हैं। देखिए 16:30 यानी कि 4:30 के लमसम मेरी वीडियो देखना बंद कर दिया गया, जिस भी बंदा जो भी बंदा देख रहा था उसने वीडियो बंद कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस छोटे वाले ट्राइंगल की, तो देखिए ये 5:30 पर ये वीडियो देखना स्टार्ट किया था इसने और ये 11/9 का है, ठीक है, यानी कि 11 सितंबर का है, ठीक है। और आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो फिर आप देखिए 7:30 से 8:30 पे मतलब इसने बंद कर दिया, 7:30 के लमसम इसने वीडियो देखना बंद कर दिया, ठीक है। आप बीच में भी क्लिक करके देख सकते हैं कि 54 मिनट 63 सेकंड चली है वीडियो, मतलब 54 मिनट और 63 सेकंड आपकी वीडियो चली है। ये मिनट में दे रहा है आपको, किस में दे रहा है, मिनट में दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको और आगे का भी पता करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं आगे अगर देखूँ तो ये मेरा 10 तारीख का है, 10 तारीख को कितनी वीडियो चली है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप कितने से भी कितने देर तक आप देख सकते हैं। अगर वो कहता है फॉर एग्जांपल कि यार मैंने तो तेरी वीडियो 8:30 के बाद देखी है, तो ये देखो, तो ये देखिए 8:30 से 9:30 के बीच में कोई वीडियो नहीं चली है, ठीक है। 11:30 12:30 इसमें कोई, ये सुबह के टाइमिंग बता रहा है, ठीक है। 11:30 12:30 इस पे वीडियो नहीं चली है, ठीक है। बहुत कम रेयर, अगर छोटी छोटी आ रही है तो ये समझ लीजिए कोई आया आपके चैनल पर और चला गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटा छोटा देख रहे हैं आप, ये बहुत छोटा सा पूरा पहाड़ टाइप का बना है। बड़े पहाड़ का मतलब ये हो गया कि ये बहुत देर तक चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से मैं समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ लीजिए, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। फिर अगर उसने कहा है कि मैंने वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि उसने आपकी वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे क्लिक करके आप कुछ भी पता कर सकते हैं कि उसने कब से कब तक देखा है। आप बिल्कुल टाइमिंग के साथ आपको डेट देखिए 11/9 2:30 यानी कि 2:30 बजे दोपहर से लेकर और 3:30 बजे दोपहर तक 54 मिनट 56 सेकंड मेरी वीडियो चली है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप एक एक पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो इसके मतलब 11 सितंबर को मेरी वीडियो 3:30 से 4:30 के बीच में 29 मिनट चली है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पता कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार मैं भी यूट्यूब पर नया हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा सकूँ आपको मटेरियल। और तो आप कुछ भी मेरा जो NCERT का कोर्स है वो पूरा देख सकते हैं,
हैं। आगे मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है मैं फोकस करके चल रहा हूँ, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। एनसीईआरटी मैंने बहुत डीप में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही मार्क करके पढ़ा है, फालतू चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।